नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में मीडिया और सोशल मीडिया की बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर, लाल सिंह आर और प्रदेश प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की जानकारी दी। इस दौरान बैठक में प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, जिला मीडिया प्रभारी और जिला सोशल मीडिया प्रभारी उपस्थित थे। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी जो मीडिया सेल है, सोशल मीडिया सेल है, वो कांग्रेस के झूठ को, विधर्मियों के झूठ को, राष्ट्र विघातक जो ताकतें हैं उनके झूठ को बेनकाब करें, समाज के बीच में जाएं, पूरी ताकत से लोगों को नागरिकता संशोधन कानून का सच बताएं, क्योंकि यह वो कानून है जो नागरिकता देता है, लेता नहीं है। इस देश में किसी भी नागरिक को इस कानून से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, यह बहुत स्पष्ट है। और हम कांग्रेस को और वामपंथियों को ये चुनौती देते हैं कि वो एक पंक्ति उस पूरे कानून में ढूंढ के बताएं जो मुस्लिम बंधुओं के या भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध जाती हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। और जो मानवता 60-70 सालों से बलात्कार का शिकार हो रही थी, हिंसा का शिकार हो रही थी, जिनके घरों के परिवार के लोगों को मारा जा रहा था और वे पीड़ावश भारत में आकर शरण लिए हुए थे, उनको सम्मान की, सुविधा की जिंदगी देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने किया है। और हमने कोई नया काम नहीं किया। गांधी जी ने जो कहा था, अंबेडकर जी ने जो कहा था, या नेहरू जी ने भी जो कहा था कि इन पीड़ितों के लिए मानवीय आधार पर फैसले लिए जाना चाहिए, वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।